सबको नमस्कार है, आप देख रहे हैं R9 भारत टीवी, मैं आपके साथ भानु प्रताप तिवारी। जैसा कि हमने एक पिछली खबर चलाई थी, भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा सिसवा नगर पालिका में 11 करोड़ के घोटाले की थी तैयारी। अब 11 करोड़ लूटने ही वाले थे, तभी आ पहुंचे हम R9 भारत टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर 11 करोड़ के मामले को कर दिया भंडाफोड़। जगजाहिर हो गया। जगजाहिर होने के बाद आज जिलाधिकारी ने इस मामले को सख्ती में लिया और सख्ती में लेने के बाद तत्काल ईओ पर कार्रवाई करने के शासन को निर्देश दे दिया है। अब देखना यही है कि 11 करोड़ के मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आकंठ चल रहा था नगर पालिका सिसवा बाजार में, जिस तरह से PWD के मिली भगत से और कहिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की मिली भगत से 11 करोड़ रुपए लूटने की तैयारी चल रही थी, उसी 11 करोड़ रुपए का जो टेंडर जारी हुआ था 60 कार्यों का, उस 60 कार्यों को टेंडरों को निरस्त करने का आदेश DM साहब ने दे दिया है। अब आपको बता दें कि किस तरह से महाराज जनपद में भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे संलिप्त अधिकारी जो है मिली भगत से योगी सरकार के आदेशों की पलीता लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार को जनपद महाराज में काफी फला फुला रहे हैं, उन्हीं को एक करारा तमाचा देने के लिए आज महाराजगंज जिलाधिकारी साहब ने शासन को एक लिखित पत्र भेजा है, जिसमें ईओ सिसवा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भ्रष्टाचार का वो मामला 11 करोड़ लूटने की थी तैयारी, सिसवा नगर पालिका का वो मामला जो 60 कार्यों के टेंडर से होकर जारी हुआ था, जो कि 15 कार्यों में TS जारी था, 45 कार्यों में TS नहीं जारी था, उसे लूटने की तैयारी बन गई थी। अब उसे 11 करोड़ रुपया भुनाने के बाद महाराजगंज जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर 11 करोड़ रुपए चंपत होने की थी तैयारी, लेकिन R9 भारत टीम की स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा मामले को जगजाहिर और भंडाफोड़ कर दिया गया है। आपको बता दें कि जल्द ही मिलेंगे भ्रष्टाचार के कुछ नए मामलों के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन किशन गुप्ता के साथ भानु प्रताप तिवारी, R9 भारत, महाराजगंज। R9 भारत टीम का स्टिंग ऑपरेशन हुआ कामयाब। सिसवा नगर पालिका परिषद में 11 करोड़ के घोटाले के पोल खोलने के बाद अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही शुरू। बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में प्रदेश सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कह रही है, वहीं महाराजगंज जनपद के सिसवा नगर पालिका में एक ऐसा कारनामा सामने आया जो सभी भ्रष्टाचारियों को अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। बता दें कि महाराजगंज के सिसवा नगर पालिका के शासी अधिकारी द्वारा 11 करोड़ का टेंडर पास करवाया और विकास का लंबा चौड़ा ढांचा बनाने की योजना जनता और सरकार के सामने रख दी। लेकिन जब इस मामले में R9 भारत टीम के रिपोर्टर भानु प्रताप तिवारी ने स्टिंग ऑपरेशन कर मामले की तहकीकात की, तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। वहां पता चला कि नगर पालिका परिषद महाराजगंज में इतना धनी नहीं कि वह 11 करोड़ का विकास कार्य करा सके। इसके लिए जब महाराजगंज जिलाधिकारी से संपर्क किया गया, तो उन्होंने सख्त लहजे में अधिशासी अधिकारी महाराजगंज को टेंडर निरस्त करने और पुनः टेंडर जारी कर नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया और निर्माण कार्य के निर्देश दिए। इसी मामले में दिनांक 30 जून 2022 को अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा ने R9 भारत टीम से रूबरू होकर बताया कि जिस तरह से सिसवा नगर पालिका परिषद में 60 कार्यों का फर्जी तरीके से टेंडर जारी किया गया, उसे आज शासन को भेज दिया गया। जल्द ही नगर पालिका परिषद की चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ का गबन करने की पूरी योजना बना ली थी, लेकिन जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से उनकी सारी कारस्तानी जनता के सामने उजागर हो गई। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी के गृह जनपद से सटे महाराजगंज जनपद में इतने बड़े घोटाले पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह बात तो सही है कि जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जनता के धन की बंदरबांट करने के लिए नगर पालिका परिषद पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। महाराजगंज सिसवा से सरकार भानु प्रताप तिवारी, R9 भारत की खास खबर। हाँ, अभी आपके द्वारा जिस संदर्भ का जिक्र किया गया, उसी संदर्भ के क्रम में प्राप्त शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, जो जिलाधिकारी हमारे महेंद्र प्रताप हैं, और चौधरी ऑफिसर, मुख्य चौधरी ऑफिसर, और एक XCNRED की एक त्रिस्तरीय समिति, त्रिसदस्यीय समिति बनाई है, जिसने जांच आख्या दी है कि उन टेंडर्स में कुछ अनियमितता है। उस अनियमितता के क्रम में शासन को ईओ और चेयरमैन दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आख्या जनपद से भेजी जा चुकी है।